अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास एक प्रोब है जिसमें हमने ये शो करना है कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड पी इज इक्वल के ओवर एन। यानी कि जब हमारे पास एक्स टर्म बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है और हमारे पास पी की वैल्यू ये आती है, तो हमारी जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने ये चीज़ इसमें परफॉर्म करनी है। अब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। हम लोगों ने वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, ये वाली जो नीचे वाली टर्म है ये साइड पे जाके होगी डिवाइड, ठीक है। अब हमने इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के थ्रू ओपन करना है। वो कैसे किया, के फैक्टोरियल नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म में से माइनस कर दी नीचे वाली टर्म, और साथ में हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल। इसी तरीके से ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म लिखी है, ऊपर वाली टर्म में से माइनस कर दिया नीचे वाली टर्म और फिर फैक्टोरियल लिख दिया डिवाइडेड बाय। अब यहां पर भी इसका फॉर्मूला ओपन किया है, एन फैक्टोरियल नीचे वाली टर्म लिखी उसका फैक्टोरियल और फिर उसके साथ ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम माइनस करके उसको इस तरीके से लिखिए। एक शॉर्टकट मेथड है याद करने का इसको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, हम मल्टीप्लाई कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाके ऊपर वाली टर्म को नीचे लाकर हम इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है, डिवीजन का रूल है। अब हमने इसको एक्सचेंज कर दिया। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने सिंपली यही डेटा ऐसे ही नीचे लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपने एन एक्स ये वाला, ठीक है, और नीचे से आपने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साइड पे लिख दी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक एन ओवर एक्स का फॉर्मूला बन गया, इसलिए हमने इसको साइड पे कर दिया। अब बाकी जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, के फैक्टोरियल के माइनस एक्स फैक्टोरियल और साथ में मल्टीप्लाई, इसमें से क्या बचा है, एन माइनस के और ये वाली टर्म, और यहां पर हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, एक ये चीज और दूसरा एन फैक्टोरियल। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने फैक्टोरियल्स की सीरीज को ओपन करना है। वो कैसे करेंगे, अब ये तो हमारे पास सोल्व है, अब ये देखें यहां पर थे कि ये हमारे पास एन और एक्स का फॉर्म एन सी एक्स का फॉर्मूला है, वो हमने वैसे ही रहने दिया। अब यहां पर के फैक्टोरियल की सीरीज को ओपन किया, वो कैसे, के के में से एक माइनस किया, फिर टू, फिर थ्री माइनस किया, फिर फोर, ऐसे सो ऑन एक्स की टर्म तक माइनस करते जाते हैं। और एक्स की टर्म से पिछली टर्म क्या होती है कि उसमें सिर्फ वन ऐड होता है, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस वन कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक्स की टर्म में वन ऐड कर देंगे, क्योंकि उसकी पिछली टर्म क्या होगी, उसमें वन एक्सीड कर रहा होगी, इनके एक नंबर वो ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, एन माइनस एक्स, फिर इसमें से माइनस, सॉरी, एन माइनस के, फिर एन माइनस के में से वन माइनस किया, फिर टू माइनस किया, फिर इस तरीके से करते जाएंगे। और यहां पर क्या आएगा, हमारे पास इसकी nth टर्म बनेगी n माइनस एक्स, और इसमें से इससे पहले वाले में क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर ऐड करवा देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास ये देखें, ये हम इसमें नीचे जो है ये देखें, इसका ओपन करेंगे सीरीज में, तो वो क्या आएगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, इस तरीके से सो ऑन चलता जाएगा एन माइनस एन तक। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर हमारे पास ऊपर सिर्फ वन वैल्यू जो होगी वो ऐड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सिंपली, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा और बाकी जो हमारे पास ये वैल्यूज थी, देखें ये वाली वैल्यू जो होगी इसके साथ कट जाएगी, और यहां पर ये वाली वैल्यू एंड वाली वैल्यू के साथ कट जाएगी। इसी तरीके से ये वाली ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हमारी इस वाली वैल्यू के साथ कट जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया, बाकी सारी वैल्यूज को इस तरह एक ही साथ लिख लिया, इकट्ठे लिख लिया। नेक्स्ट हमने लिख दिया कि अब डिवाइड करेंगे हम ईच फैक्टर को बाय कैपिटल एन, ठीक है, अब सारे फैक्टर्स को हम कैपिटल एन के साथ डिवाइड करेंगे। ये देखें, अब जितनी भी टर्म्स थी हमने उसको क्या किया, एन के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक ऊपर एन यहां पर डिवाइड किया, एक यहां पर एन के साथ डिवाइड किया। अब जब यहां पर डिवाइड किया, के ओवर एन जो है वो हमारे पास क्या था, पी के इक्वल था, जैसे उन्होंने हमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पी के इक्वल रख देंगे। बाकी देखिए, के ओवर एन, जब के इधर आएगा, के ओवर एन आएगा, तो ये पी बन जाएगा, माइनस वन ओवर एन वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से के ओवर एन जब यहां पर आएगा तो यहां पर पी बन जाएगा, टू ओवर एन एज इट इज ही रहेगा। इस तरीके से इसकी सीरीज चलती जाएंगी यहां तक कि हमारे पास एन टर्म क्या आएगी, कि यहां पर के नीचे जब एन आएगा तो पी हो जाएगा, माइनस जब इस वैल्यू के नीचे आएगा तो वो वैसे ही एन ही रहेगा। सिमिलरली यही प्रोसीजर यहां पर भी इसके साथ भी किया गया। नेक्स्ट स्टेप में अब इसके नीचे भी यही किया गया, एन को वन एन से कट किया, तो यहां पर पीछे रिमेनिंग क्या रहा, वन ओवर एन, क्योंकि देखें अब
इसके साथ कट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जब ये यहां पर कट हुआ है तो ये हो गया वन माइनस और बाकी एन माइनस वन हमारे पास यहां पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी इसकी सीरीज ओपन करके यहां पर लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में जब हमारे पास एक्स जो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, हमने जस्ट इसमें लिमिट अप्लाई किया। जब लिमिट अप्लाई किया तो अब देखें ये पी की टर्म में रिपीट हो रहा था, पी की टर्म में रिपीट हो रहा था कब तक, जब तक एक्स था। तो हम लिख देंगे कि ये खाली जो पी की टर्म में वो सीरीज में चल रहा है और वो एक्स टर्म तक चल रहा है क्योंकि यहां पर एक्स है। और जब ये वन माइनस पी जो चल रहा है ये कहां तक चल रहा है, एन माइनस एक्स तक। तो हम उसको सिर्फ लिख देंगे कि जो वन माइनस पी है, ये देखिए वन माइनस पी है, वो एन माइनस एक्स टर्म तक चल रहा है। और हमें पता है वन माइनस पी किसके इक्वल होते हैं, क्यू के। तो हमने वन माइनस पी की जगह क्यू लिख दिया और बाकी एन माइनस एक्स लिख दिया। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारे पास जो भी